हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वंस मोर आई हेल यू ऑल फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लेसन एंड दिस लेसन इज वेरी एनर्जेटिक फॉर यू. ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? Yeah, great. Today we are going to learn, you know, we are going to learn a new pattern, a new type of sentence, that is what to me. Means, today we are going to learn what to me. Try to understand the concept of this topic. Okay, as we have learning regularly on the channel Unique Online Guru, okay, on which we have learned that what we was learning regularly there, the basic types of sentence, how we can use a lot of type of sentence in our daily life. We are also going through some basic concept of grammar and word power. So today we are going in that series, we are going to today learn what to me. So I hope Balwant, good morning. So what I hope that you are getting it clearly and you all will listen it clearly. So what I am saying to you all, हमने क्या बोला, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या, व्हाट टू मी सीखने जा रहे हैं. ठीक है, एक बेसिक पैटर्न होता है, एक बेसिक टाइप का सेंटेंस होता है जो हमारी सीरीज चल रही है स्पोकन इंग्लिश की, उसमें हम लोग आगे चलेंगे एक स्टेप और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें आज हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाट टू मी. जैसे मान लीजिए आपको कई बार ये बोलना होता होगा, जैसे आप किसी से कह रहे हैं कि व्हाट टू मी वेदर यू लिव और डाई, तुम जियो या मरो मुझसे क्या मतलब. मतलब कहने का ये हो रहा है कि जब हम लोग अपने डेली लाइफ में एक सेंटेंस पैटर्न यूज करते हैं जहाँ पे क्या होता है कि हम अपने आप को डिफरेंट दिखाते हैं, जहाँ पे हम लोग ये शो करते हैं कि व्हाट टू मी मतलब मुझे क्या, तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे चाहे कुछ भी हो, एट दैट इंस्टेंट इन जगहों पे, ऐसे प्लेसेस पे हम लोग क्या करते हैं, व्हाट टू मी का इस्तेमाल करते हैं. बात समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ, एक सेंटेंस बोलता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ अगर व्हाट टू मी whether you live or die. Okay? मैंने क्या बोला, what to me मतलब मुझे क्या, whether you live or die चाहे तुम मरो या जियो मुझसे क्या. यहाँ पे मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हो रहा है कि मैं अपने आप को एक अलग बॉडी के रूप में रख रहा हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको अपने आप से कोरिलेट नहीं दिखा रहा हूँ. बात समझ आ रही है? तो क्या होता है जब हम लोग ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोरिलेट नहीं दिखाते हैं, अपने आप को एक डिफरेंट बॉडी के फॉर्म में रखते हैं, तो वहां पता हमारा क्या, व्हाट टू मी सेंटेंस आता है. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा जी, ध्यान से देखो. इसका अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा व्हाट टू मी प्लस वेदर, सब्जेक्ट वेदर प्लस सब्जेक्ट, V1 और V2. लिसन इट क्लियरली एंड सी इट क्लेरिफिकेशन. हाँ, अभिषेक कुमार गुड मॉर्निंग. ओके, सो मैंने क्या बताया आपसे, एकदम आपको ध्यान से देखना है, इसको समझना. मैंने क्या बताया आपसे, यहाँ का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग व्हाट टू मी से अपने सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. हम लोग जो सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं कहाँ से करते हैं, व्हाट टू मी से करते हैं, देन हम लोग वेदर का यूज करते हैं और देन सब्जेक्ट प्लस V1 और के बाद V2 यूज करते हैं. मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में व्हाट टू मी का अगर यूज करना है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वेदर के साथ दो वर्ब एक साथ हम लोग यूज करते हैं. वेदर के साथ दो वर्ब इसी सेंटेंस या एक ही सेंटेंस में यूज होती है. हाँ, अभिषेक कुमार गुड मॉर्निंग जी. तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे, दो सब्जेक्ट का एक दो वर्ब का एक साथ यूज करते हैं. ठीक है, बात मेरी समझ आ रही है? तो अब आगे देखते हैं. जैसे मान लीजिए अगर हमें अगर ऐसे और भी सेंटेंस है, जैसे अगर बनाने हो, जैसे मैं बता दूं आपसे कि व्हाट टू मी, अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखें, जैसे मैं आपसे यहीं से अगर यूज करूं व्हाट टू मी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट टू राम भी लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट यूज हो रहा है और एक सब्जेक्ट यहाँ पे, व्हाट टू मी प्लस, या ऐसे हम लिख सकते हैं सीधे सीधे
what to Ram, whether Sita dance or sing. मैंने क्या बोला आपसे कि what to Ram, whether Sita dance or sing. सीता चाहे डांस करे या गाना गाए, राम को क्या, what to Ram. तो यहां पर हमने क्या किया, एक ऐसा सेंटेंस यूज किया है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, राम को क्या. अब देखो ध्यान से यहां पे यहां पे हम लोग क्या हमने क्या बोला आपसे कि व्हाट टू राम, राम को क्या, वेदर सीता डांस और सिंग. तो यहां पे क्या हो रहा है, सीता चाहे डांस करे चाहे गाना गाए, राम को क्या, राम को क्या. तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे ऐसे कंडीशन में वेदर का यूज करते हैं और व्हाट टू मी का यूज करते हैं, व्हाट टू प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है. जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि व्हाट टू सीता या व्हाट टू सोहन, व्हाट टू सोहन, वेदर रोहन रीड और राइट, रीड और राइट. ध्यान समझना इस बात को, मेरे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो. अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझोगे, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव, यू शुड गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहला काम करना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है. मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, आज ज़्यादा लोग नहीं है, बिल्कुल मैंने चेंज कर दिया है, और जितने लोगों को लिंक मिला है वही लोग एक्टिव हो सकते हैं सिर्फ, ठीक है. हमने कोशिश किया कि अब वही लोग रहेंगे जो सीरियसली लर्निंग के लिए सीखना चाहते हैं. तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते. जैसे आपको कहना है क्या, व्हाट टू सोहन, सोहन को क्या, चाहे अब रोहन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोहन चाहे पढ़े चाहे लिखे हमसे क्या मतलब. हम लोग बोलते हैं ना कि तुम मरो या जियो हमसे क्या मतलब. तो वहां पे क्या हो रहा है, हम अपने आप से क्या कर रहे हैं, अपने आप को इनडिफरेंट, अपने आप क्या कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट है, अपने आप को हम एक अलग फॉर्म में दिखा रहे हैं. तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम लोग व्हाट टू मी प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं. बात समझ में आ गई, ठीक है. ऐसे आप और भी कह सकते हैं क्या, जैसे मैं बताऊं आपसे, मैं आप कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट टू राधा वेदर कृष्णा प्ले हारमोनियम और वेसल, हारमोनियम एंड और वेसल, या हारमोनियम और तबला. अब यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट टू राधा, राधा को क्या, वेदर मतलब चाहे कृष्णा क्या करे, चाहे वो हारमोनियम बजाए चाहे वो तबला बजाए, राधा को क्या. तो यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग ये चीज दिखा पा रहे हैं, ये चीज बता पा रहे हैं कि राधा को क्या लेना देना, राधा को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चाहे वो हारमोनियम बजाए चाहे वो तबला बजाए. मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सेंटेंस की केसेस में, मेरी बात को ध्यान समझना, ऐसे सेंटेंस की केसेस में जहां पे हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो दो वर्ब को एक साथ लेके चलता है लेकिन उनसे इनडिफरेंट होता, उनसे अलग होता है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं किसका, ऐसे सेंटेंस का. वहां पर किसका यूज करते हैं, व्हाट टू मी का यूज करते हैं, व्हाट टू प्लस, व्हाट टू के साथ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक्चुअली थोड़ा समझिए पैटर्न को समझिए. तो क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हाट टू के साथ एक सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर सेंटेंस देखिए, हम लोग कह रहे हैं व्हाट टू के साथ एक सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है. फिर वेदर सीता, सीता मतलब देखिए, अब चाहे यहाँ पे जो ये आपको दूसरा जो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये कई बार आपको एज ए ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. ध्यान समझना, ये जो सब्जेक्ट है आपका दूसरा वाला, ये आपको कई बार आपको एज ए ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा. ये आपको कई बार क्या होगा, एज ए ऑब्जेक्ट दिखाई देगा किस कई सारे सेंटेंस में. तो मेरे कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं दो ऑप्शंस का और अपने आप को इरेलेवेंट रखते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, व्हाट टू मी का यूज करते हैं. वहां पे हम लोग क्या करते हैं, व्हाट टू मी का यूज करते हैं. मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल जी, सब लोगों को गुड मॉर्निंग. तो मैंने क्या बताया आपसे कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सेंटेंस को अलग पैटर्न पे रखते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, जब सेंटेंस को अलग पैटर्न पे रखते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, व्हाट टू मी का यूज करते हैं. मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स को खुद भी और भी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे मैं अगर इसको इधर थोड़ा साइड में कर दिया मैंने, जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि व्हाट टू मी वेदर नेहा सिंग आर डांस,
बताओ जितने लोग भी हैं सब सब लोग फटाफट बताएंगे मुझे, दो एग्जांपल लिखेंगे सर किसका, व्हाट टू मी का, और आप मुझे बताएंगे कि आपको ये पैटर्न समझ में आया कि नहीं समझ में, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ जी। दो लोग बताएंगे जल्दी से फटाफट, दो कमेंट्स मुझे चाहिए कम से कम दो, क्योंकि भाई देखो सब लोग, मुझे पता है सब लोग तो थोड़ा सा आराम से कॉपी में लिखते रहते हैं, ठीक है। तो बताओ कि मेरे कहने का मतलब क्या हो रहा है, कि ये जो बात है ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये बताना मुझे। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ जी। बलवंत है, अभिषेक है, रोहन है, बताओ फटाफट कि ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे जनसंख्या कम ही रहेगी, अब ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैंने कहा था ना आपसे कि हम सीरियसली क्या करते हैं, कुछ कम लोगों को ही टेकअप करते हैं, तो याद रखना आज हम लोग वही बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग वही कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जो क्या होंगे हमारे, जो हम लोग सिर्फ सेलेक्टेड लोग ही पढ़ पाएंगे, जिन लोगों ने जो लोग हमसे फाइनली जुड़े हैं, बात समझ में आ गई। तो याद रखना यहाँ पे हमने क्या बताया आपसे कि व्हाट टू क्या करते हैं हम लोग, व्हाट टू के साथ किसी सब्जेक्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन इस प्रकार से करते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी सब लोगों को। जल्दी बताओ जी, बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई सबको, जल्दी बताओ, बोलो बच्चा लोग, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बताऊं अगर कि आपसे मैं बोलूं कि आपको क्या, या मैं आपसे ऐसे बोलूं अगर कि किसी थर्ड व्यक्ति को क्या, कि चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भी करे उससे क्या मतलब, मुझे क्या लेना देना, ठीक है, मुझसे क्या लेना देना, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। एक तो मैं करूंगा क्या, व्हाट टू मी मतलब खुद के लिए बात करूंगा, एक बार मैं बात करूंगा व्हाट टू सब्जेक्ट के लिए बात करूंगा, एक बार मैं व्हाट टू मी खुद के लिए बात करूंगा, और एक बार मैं क्या करूंगा व्हाट टू के साथ मैं सब्जेक्ट के लिए बात करूंगा, किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए मैं बात करूंगा, ठीक। तो इन दो पैटर्न पे क्या करते हैं हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और इन दो पैटर्न पे हम लोग क्या करते हैं सेंटेंस बनाते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी सब लोगों को, जल्दी बोलो जी, सब लोगों को ये बात तो समझ में आ रही होगी ना जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों को एक रूट वर्ड भी पढ़ना था, मैंने आपको बताया था कल आपको कि हम लोगों ने कल दो रूट वर्ड पढ़ा था, पहला जो पढ़ा था वो पढ़ा था मोनो, ठीक है, जिसका मतलब होता है सिंगल, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने बाई, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड क्या है ये पॉली, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मैं नहीं, पॉली मतलब क्या होता है मैं नहीं होता है। तो जहाँ पे हम लोग किसी भी टर्म को किसी भी सब्जेक्ट को, परवेज आलम हाँ गुड मॉर्निंग जी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जहाँ पे किसी सब्जेक्ट को किसी भी हम लोग क्या करते हैं इंडिविजुअल बात कर, जैसे मैं आपसे यहाँ पे क्या बोला मैंने आपसे कि पॉली मतलब क्या होता है मैं नहीं होता, जैसे मैं आपसे बताऊँ मैं आपसे क्या कि पॉलीगॉन, मैं अगर इसका एग्जाम्पल लिखूँ अगर तो मैं क्या लिख सकता हूँ पॉली प्लस गॉन, पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, और गॉन मतलब क्या होता है जी साइड, क्या हो गया इसका मतलब अ क्लोज फिगर हैविंग मैनी साइड्स, वो होता है पॉलीगॉन, बात समझ में आई, अ क्लोज फिगर हैविंग मैनी साइड्स, कोई भी ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास बहुत सारी साइड्स है वो क्या होता है हमारा पॉलीगॉन होता है, वो क्या होता है जी हमारा पॉलीगॉन होता है। तो पॉलीगॉन सब लोगों को समझ में आ गया, ऐसे ही हमारा होता है पॉलीनोमियल्स होते हैं, क्या होते हैं ऐसे ही हमारे, ऐसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं किसके, पॉलीनोमियल्स के, पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं ये पॉलीनोमियल्स होते हैं। तो पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, पॉली मतलब होता है याद रखना, पॉली मतलब क्या होता है मैनी, ठीक है, पॉली मतलब क्या होता है मैनी होता है, ठीक। और नॉमियल्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग बात करें किसकी अलजेब्रा पे आपने सुना सीखा होगा, अगर आप लोग अगर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आप सब लोग जानते होंगे कि पॉलीनोमियल्स में क्या होता है, जो हमारा पॉली होता है वो मैनी के लिए रिप्रेजेंट करता है, जो नॉमियल्स ये दिख रहा है आपको, ये जो नॉमियल्स है ये क्या करता है, ये अल्फाबेट्स के लिए अलजेब्रा और टर्म्स के रेफरेंस में आता है। तो बात समझ में आ गई, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं पॉलीगैमी भी कह सकते हैं, मैंने कल एग्जांपल लिखवाया था आपको पॉलीगैमी, पॉली प्लस गैमी, क्या हो जाएगा ये पॉलीगैमी हो जाएगा, पॉलीगैमी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कहते मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आपने सुना होगा कि मोनोपॉली, मोनोपॉली क्या होता है जी, मतलब समझ में आ रहा है, जब हम लोग बात करते थे मोनोपॉली की, जब हम लोग यहाँ पर लोग क्या करते थे किसी एक कॉन्सेप्ट पे किसी एक टर्म पे जब कई सारे लोग एक्टिव होते थे तो आप हम लोग एक यूज करते थे एक टर्म जिसको क्या बोलते थे हम लोग मोनोपॉली बोलते थे, क्या बोलते थे उसको जी, उसको बोलते थे मोनोपॉली, बात समझ आ गई। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं पॉलीगॉन, पॉलीनोमियल्स, ठीक है, आप कह सकते हैं ये कि पॉलीसाइड्स होता है, मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे साइड्स हो,
तो याद रखना इस बात के लिए कि आप लोग सबको ध्यान से याद रखना कि पॉली हम लोग रूट वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं, रूट वर्ड पॉली हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम लोगों को मैनी के सेंस में कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड बनाने होते हैं। तो हम लोगों ने कहा देखा मोनो मतलब होता है सिंगल, एक मैंने जो कल पढ़ा था यहाँ पे मैंने लिखा मोनो, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बाई मतलब होता है टू यानी कि दो होता है, तीसरा होता है पॉली। तो मोनो बाई बात कहता है ट्राई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है, लिखा आता है बहुत, पेंटागॉन आता है, हेक्सा हेप्टा एक्टा ठीक है सब आता है। लेकिन याद रख जब मैं पॉली की बात करूंगा मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई मैं फिक्स और आपसे कोई सेलेक्टेड नहीं कह रहा हूँ कि एक है कि दो है कि तीन है कि चार, मैं आप इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ सर, आपसे ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, एक नहीं है कई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नहीं यहाँ पे क्या है कई है। तो वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट किसका आता है, पॉली का आता है, पॉलीगॉन का आता है, बात समझ में आ रही है, पॉलीसाइड का था, पॉलीनोमियल्स का था, पॉली एंगल्स का था। तो तब जाकर हमारे कॉन्सेप्ट में क्या आता है, ऐसी सारी चीज़ें दिमाग में आती। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, जल्दी बोलो जी फटाफट, सब लोग बताओ मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना, बोलो जी लल्ला लोग जल्दी बोलो फटाफट, सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आज हम लोगों ने दो चीज़ सीखा, पहला हम लोगों ने क्या सीखा कि व्हाट टू मी का हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, व्हाट टू मी का प्रयोग करते हैं कब, जब हम लोग क्या करना पड़ता है कि वेदर से पहले सेंटेंस लगाना और सब्जेक्ट लगाना पड़ता है और बाद में हम लोग क्या करते हैं उसको जो है इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या कि व्हाट टू सोहन या व्हाट टू रोहन या व्हाट टू सीता व्हाट टू मीता, ठीक है, वेदर हरीश लव और डांस, चाहे हरीश प्यार कर चाहे डांस कर, उससे मुझसे क्या मतलब। तो जहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट को रिलेवेंट दिखाना चाहते हैं वहाँ पर लोग यूज करते हैं व्हाट टू मी का यूज करते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक रूट वर्ड लिखा, पहला मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, दूसरा मैंने रूट वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा पॉली एक वर्ड लिखा, ठीक है। तो पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मैनी होता है, पॉली मतलब क्या होता है मैनी होता है। तो पॉली से पॉलीगॉन पॉलीसाइट्स, ठीक है, आपने सुना होगा क्या कि मोनोपॉली भी यहीं से आता है, ठीक है, और पॉलिनोमियल भी होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स को बनाने के लिए, अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। आई होप आपको मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, जल्दी बोलो जी सब लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बोलो फटाफट सब लोग कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आई होप आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी, ठीक है जी, सब लोगों को मेरी बात समझ में जरूर आई होगी। डियर याद रखना किसी भी सेंटेंस को सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे आप बताया मैंने आपसे ना बताया, मैंने आपसे नाउन बताया था, प्रोनाउन बताया था, एडजेक्टिव बताया था, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर कर सकते हैं आप आराम से सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई होप सब लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा सेंटेंस में। तो डियर मेरे फ्रेंड्स मेरे भाइयों बताओ, अगर कोई दिक्कत हो आपको, कोई समस्या बताओ मुझे, मैं आपके कमेंट को सुनने के लिए यहाँ पे हूँ, कोई दिक्कत हो बताओ मुझे, प्रश्न हो तो आप बताओ, मैं आपके प्रश्न का आंसर दूंगा, मैं आपके प्रश्न का क्या करूँगा सॉर्ट आउट करूँगा। मेरी बात समझ में आ गई तो ठीक है भाई, सब लोगों को गुड मॉर्निंग फिर से एक बार, ठीक है, गुड आफ्टरनून। और याद रखना कि अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे कुछ भी हो। दिक्कत ये ना कि हम लोग मेहनत ही नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम लोग मेहनत ही नहीं करते, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो क्या होगा, सारे मुश्किल सारे जो है कितने मुश्किल क्या हो जाएंगी सारी आसान हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, और हम लोग मिलते हैं कल, मिलते हैं सेम टाइम और सेम चैनल मिलते हैं, बाय बाय।